बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप भी बताएं कि आपके यहाँ कैसे बनती है रेसिपी, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आइए आपको आज हम बताते हैं सहजन बनाने की एक नई रेसिपी। ये बहुत पौष्टिक होता है, फैट घटाने में भी बहुत मदद करता है। तो आज हम बनाएंगे रेसिपी सहजन की, वो भी एक नए तरीके से। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं इसको साफ करने का एक नया तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, इसको हमको साइड में ऐसे पकड़ना है और ऐसे देखिए इसको ऐसे खींचना है, और ये खींचते ऐसे निकलेगा। फिर हम इसको ऐसे ही फिर से साफ करेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है इसको साफ करने का। बहुत से वीडियो में हमने देखा है कि वो लोग इसको छोटे छोटे पीस में काट के फिर उसको तब छीलते हैं, तो ये उससे भी आसान तरीका है। इसको आप खड़े खड़े ऐसे ही छील सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगता है और ये आसानी से छील जाता है। वैसे छोटे पीस में करने पे हाथ भी कभी कभी कट जाता है। आइए फ्रेंड्स, आपको हम बताए, अब देखिए अब ये छील चुका है, और अब हम इसमें रेशा भी बचा होगा, इसको रेशे को भी साफ करने के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे तोड़ेंगे और इसको ऐसे उल्टा खींचेंगे। तो देखिए इसमें अब रेशा साफ हो चुका है। फिर अब हम इसको ऐसे ही पकड़ के ऐसे उल्टा खींचेंगे और जो इधर का रेशा होगा इसे साफ कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सहजन को छील के साफ कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये कैसे दिख रहा है। अब इसमें रेशा है मगर बहुत कम है, जो कि हमारे दांतों में अभी नहीं फंसेगा अब। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने आलू भी कट करके रख लिया है पहले से, और हम इसमें छिलके के साथ आलू को डालेंगे। और इसके बाद हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्याज को भी कट करके रख लिया है, और हरी मिर्च, धनिया पत्ता, लहसुन और अदरक, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे, फिर ऊपर से होने के बाद, सब्जी तैयार होने के बाद हम लोग इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी, और कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्याज को बारीक काट लिया है, और हरे मिर्च को हम पीसेंगे, पीस के तब डालेंगे। फिर धनिया पत्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा जूम करके दिखा लेती हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, और अदरक, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अदरक भी ले लिया है। अदरक डालने से इसमें सब्जी में स्वाद आता है। और आप देखिए यहाँ पे आलू को हमने ज़्यादा बड़े पीस में भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं मीडियम साइज है। और उसके बाद हम लोग इसमें अब ऐड करेंगे सहजन, हम लोग इसमें भी ऐड करेंगे सब्जी, सहजन की सब्जी है तो सहजन ऐड ही होगा। और ये देख सकते हैं आप लोग इसके कितने अच्छे से ये साफ हो चुका है। कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स, और आप लोग को ये छीलने की तरीका कैसा लगा ये आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, अब हम इसको एक पास कर लिए, अब इसको हम लोग अब पीस लेंगे मिक्सी में, और उसके बाद हम लोग कढ़ाई में तेल डाल के उसके बाद हम लोग ये प्याज को फ्राई करेंगे, और उसके बाद मसाले की जगह इसको भी यूज करेंगे और प्लस मसाला भी होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसमें तेल को ऐड करेंगे, सरसों का तेल है, देख लीजिए। अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर चुके, अब इसमें हम डालेंगे पचफोरन हम लोग ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पचफोरन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूखा हुआ मिर्च, लाल मिर्च। हमने इसमें ऐड किया है तेज पत्ता, देख सकते हैं हम लोग इसमें अब पचफोरन, तेज सूखा मिर्च और तेज पत्ता को ऐड कर चुके हैं हम लोग। अब हम इसको चलाएंगे,
अब हम इसको चलाएंगे, चारों तरफ से अच्छे से मिलाकर चला लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग उसमें प्याज को ऐड करेंगे। अब इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम लोग प्याज को। और इसको हम तब तक भूजेंगे तब तक जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। भूजते रहेंगे इसको, अच्छे से हम मिलाते रहेंगे, इधर उधर चलाते रहेंगे। और जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाना है। और तब तक इसको हम फ्राई भी करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं अब हमारा प्याज भी ब्राउन कलर का हो गया। अब इसमें हम लहसुन, अदरक और धनिया और हरा मिर्च का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। हाँ, तो हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर 1 चम्मच हमने ऐड किया। और इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच हमने ऐड किया। और इसमें अब थोड़ा सा और धनिया पाउडर हम लोग ऐड करेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे जीरा और मिर्च का पाउडर, उसको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना टेस्ट के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर को हमने पहले से ही काट के रख लिया था। और इसको अब हम लोग इसको डालेंगे अब हम, ताकि सब्जी में ज़्यादा टेस्ट आता है इससे और खट्टापन भी आ जाता है सब्जी में। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हमने अपने हिसाब से अपने जैसे हम लोग क्या खाते हैं नमक वैसे हमने ऐड कर लिया है नमक। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से पक जाए। देखिए अब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। और इसमें हम लोग अब ऐड करेंगे सहजन, जो कि हमने पहले से छील के और काट के रखा था। और हमें इसे ज़्यादा बड़े साइज में नहीं काटना है, मीडियम साइज में ही काटना है। और उसके बाद हम लोग इसमें मसाले में इसको ऐड कर रहे हैं ताकि मसाले में अच्छे से घुल मिल जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि इसका मसाला पूरा अच्छे से मिल जाए पूरा साइजन में, और ताकि इसका जो खाने के समय इसका स्वाद बढ़ जाए। इसमें ऐड करने वाले हैं आलू, जो कि हमने छिलके के साथ काट के रखा था पहले से ही। और प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आलू को छिलका के साथ काटा था इसलिए ताकि इसका विटामिन और मिनरल इसी में रह जाए। और हम आप चाहे तो इसको बिना छिलके के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बना। हाँ, तो आप देख सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका मसाला चारों ओर मिल जाए। और आप चाहे तो जूस के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी। और हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। अब हम इसको चला रहे हैं और इसको चलाने के बाद मिलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करके रखेंगे 10 से 20 मिनट तक, और मीडियम आँच रहेगा एकदम धीरे। और उसके बाद हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं, पानी अब ऐड करेंगे हम लोग। हमने 10 मिनट के लिए इसको सब्जी को ढक दिया था और अब हम इसको चलाएंगे और उसके बाद पानी ऐड करेंगे हम लोग। पहले इसको अच्छी तरह से हमको चला लेना है, अच्छे से मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, आपको सब्जी का कलर कैसे लग रहा है। अगर सब्जी आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और प्लीज़ अंत तक देखें वीडियो को। अब हम इसमें अब पानी को ऐड कर देंगे, हमारा सब्जी अच्छे से पक चुका है। उसके बाद हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमें पानी थोड़ा कम था, अब इसमें थोड़ा और पानी हम लोग ऐड कर लेंगे। अब हम सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम लोग जूस को कुछ मिनट के लिए 10 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी पक के तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया का पत्ता, ताज़ा हरा धनिया पत्ता हम लोग ऐड करेंगे। और हमारा खाना अब हम रेडी हो चुका है हमारा सब्जी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप भी बताएं कि आपके यहाँ कैसे बनती है रेसिपी। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।